किडनी फेलियर के पेशेंट बहुत कम जानते हैं, इसमें कोई भी आराम नहीं मिलता। दूसरा तरीका क्या होता है किडनी की जो कार्य करने की क्षमता है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरुष धवन और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे खुजली के बारे में कि एक किडनी फेलियर के पेशेंट के अंदर खुजली क्यों होती है, किस वजह से होती है। किडनी फेलियर के पेशेंट बहुत कम जानते हैं कि जब किडनी खराब होनी शुरू होती है और जो खुजली हो रही है उनका आपस में रिलेशन है। अक्सर पेशेंट को लगता है कि जो खुजली है वो स्किन की डिसऑर्डर है और किडनी जो खराब हो रही है वो अलग है, मगर ऐसा नहीं है। ये जो खुजली की किडनी फेलियर पेशेंट के अंदर होती है वो किडनी की वजह से ही हो रही होती है। जब हमारी बॉडी में वेस्ट मेटल इकट्ठा हो रहा है, किडनी इकट्ठा हो रहा है, यूरिया इकट्ठा हो रहा है, पोटेशियम इकट्ठा हो रहा है, तो वो कुछ ना कुछ हमारी बॉडी के अंदर कॉम्प्लिकेशन लेकर आते हैं, कुछ ना कुछ सिम्टम लेकर आते हैं, कुछ ना कुछ लक्षण लेकर आते हैं और खुजली उनमें से एक है। ये जो खुजली किडनी फेलियर पेशेंट के अंदर होती है, ये खुजली हमें बता रही है कि ब्लड के अंदर क्रिएटिनिन के लेवल बढ़ गए हैं और ये क्रिएटिनिन जब हमारी बॉडी में पड़ता है तभी किडनी फेलियर पेशेंट को खुजली महसूस होनी शुरू होती है और ये खुजली पूरी बॉडी में किसी भी टाइम होना स्वाभाविक है। इसकी खास बात क्या होती है कि अगर हम कोई स्किन की मेडिसिन लेते हैं, कोई क्रीम लगाते हैं, कोई ऑयल लगाते हैं, कुछ भी लगाते हैं, इसमें कोई भी आराम नहीं मिलता क्योंकि ये खुजली आपकी स्किन के ऊपर नहीं हो रही, ये स्किन के अंदर से आ रही है, ब्लड से आ रही है, क्रिएटिनिन की वजह से आ रही है। तो जब तक आपके ब्लड के अंदर क्रिएटिनिन के लेवल हाई बने रहेंगे ये खुजली आपको होती ही रहेगी। अब जब पेशेंट को खुजली हो रही होती है उसके साथ साथ एक सिम्टम और आता है, वो है मसल क्रैम का, मसल्स में थकावट का, कि पेशेंट जब थोड़ा सा चलता है मसल्स थक जाती हैं, क्रैम्पिंग होनी शुरू हो जाती है। ये जो मसल क्रैम्पिंग का जो सिम्टम होता है, लक्षण होता है, ये भी क्रिएटिनिन की हाई लेवल की वजह से ही हो रहा होता है। ये लक्षण आप हमेशा अपने माइंड में रखें, जब भी आपको आपकी बॉडी में खुजली महसूस होनी शुरू हो और आपकी बॉडी के अंदर मसल्स के अंदर क्रैम्पिंग महसूस होनी शुरू हो तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि आपका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ गया है पहले से। अब ये जो क्रिएटिनिन लेवल आपकी बॉडी में बढ़ रहा है इसको अगर हमने कम करना है तो हमारे पास दो तरीके होते हैं। पहला तरीका ये है कि किडनी उसको बॉडी से बाहर निकाले, तेजी से बाहर निकाले, जिससे आपका क्रिएटिनिन लेवल डाउन हो, खुजली आपकी बंद हो, मसल क्रैम्प्स बंद हो। दूसरा तरीका क्या होता है कि ये जो क्रिएटिनिन की फॉर्मेशन है ये हमारी मसल्स करती हैं, मसल्स में बनने वाला वेस्ट मटेरियल है, तो अगर किसी भी तरीके से इस मसल्स के अंदर क्रिएटिनिन की प्रोडक्शन कम हो जाएगी, किडनी उसको ज़्यादा बाहर निकालेंगे तो क्रिएटिनिन के लेवल डाउन हो जाएंगे। तो हमने दोनों ही तरीकों पर एक साथ काम करना होता है। अब अगर हम बॉडी में चाहते हैं कि क्रिएटिनिन की प्रोडक्शन कम हो तो हमें अपने डाइट के अंदर प्रोटीन का ध्यान रखना होता है कि हम प्रोटीन का सेवन कम से कम मात्रा में करें, चाहे वो एग है, चिकन है, मटन है, फिश है, दूध है, दालें हैं, मशरूम है। अगर आप इनका प्रोडक्शन, इनका इनटेक कम कर दोगे तो आपकी बॉडी के अंदर क्रिएटिनिन की प्रोडक्शन डाउन हो जाएगी और जैसे जैसे क्रिएटिनिन की प्रोडक्शन डाउन होगी और किडनी उसे तेजी से बाहर निकालेगी जो जमा हुआ है तो आपके ब्लड के अंदर क्रिएटिनिन के लेवल डाउन होने शुरू हो जाएंगे और ये जो सिम्टम आपकी बॉडी में आ रहे हैं इचिंग के, क्रैम्पिंग के, वो खत्म होने शुरू हो जाएंगे। अब किडनी की फंक्शनिंग कैसे बढ़ती है, ये एक छोटा सा सवाल हर किडनी फेलियर पेशेंट के माइंड में जरूर आ रहा होगा। किडनी के पास एक अपनी खूबी है अपने फंक्शंस को बढ़ा लेने की। किडनी एक ऐसा ऑर्गन है जो अपनी क्षमता से ज़्यादा काम कर सकता है। एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर एक इंसान अपनी किडनी दूसरे इंसान को दे देता है तो दो में से एक किडनी हो गई। एक किडनी होने के बावजूद भी उस पेशेंट के अंदर क्रिएटिनिन का लेवल, यूरिया का लेवल नहीं बढ़ता। अब यहाँ पर खुद सवाल करके देखो कि ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसा तभी हो सकता है जब किडनी अपने कार्य करने की क्षमता को बढ़ा ले, और ऐसा होता भी है, ऐसा हम देखते भी हैं। तो ये जो खूबी है किडनी की, ये हमें हर किडनी फेलियर के पेशेंट के अंदर इस्तेमाल करनी होती है और इसको ट्रीटमेंट का नाम दिया गया है किडनी फंक्शन रिस्टोरेशन ट्रीटमेंट, यानी किडनी के फंक्शन को रिस्टोर करने वाला ट्रीटमेंट। अगर किडनी फेलियर का पेशेंट इन किडनी फंक्शन रिस्टोरेशन ट्रीटमेंट करता है और साथ में खाने पीने का जो साइंस इंजीनियरिंग में बताया जाता है उसका ध्यान रखता है तो दोनों तरीके से क्रिएटिनिन के ऊपर इंपैक्ट पड़ने की वजह से क्रिएटिनिन के लेवल डाउन होने शुरू हो जाते हैं और ये इतना तेजी से होता है कि पहले महीने के अंदर ही रिपोर्टें बदलनी शुरू हो जाती हैं कि क्रिएटिनिन का लेवल पहले 10 था, अगले महीने आपने टेस्ट करवाया तो देखा कि वो 6 हो गया, फिर वो डाउन हो गया, फिर वो 4 पे पहुंच गया। ये इसलिए हो रहा होता है क्योंकि किडनी अपने कार्य करने की क्षमता को बढ़ा दी है। तो किडनी की जो कार्य करने की क्षमता है बढ़ाने पे हर किडनी फेलियर पेशेंट को काम करना चाहिए, क्योंकि किडनी फेल जब होती है तो उसके बाद जो हमें रास्ता दिखाया जाता है कि आप डायलिसिस करवाओ या ट्रांसप्लांट करवाओ वो आसान नहीं होता, क्योंकि डायलिसिस पे जो हमें एक पेशेंट की एज होती है वो कम होती चली जाती है, पेशेंट के अंदर कॉम्प्लिकेशन आनी शुरू हो जाती है। ट्रांसप्लांट हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, किडनी लेकर आ नहीं सकता, और जो ट्रांसप्लांट करवाने के बावजूद भी किडनी कब तक चलेगी, कितने टाइम तक चलेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। तो हमने उसको समझना है, हमने अपनी किडनी का साथ देना है, किडनी को समझना है, किडनी की फंक्शनिंग को बढ़ाना है जिससे हमारी बॉडी
और ब्लड के अंदर केमिस्ट्री क्रिएटिनिन के लेवल यूरिया के लेवल आराम से कंट्रोल में बने रहें। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप समझ गए कि खुजली होना, मसल्स क्रैम होना बढ़ते हुए क्रिएटिनिन का लक्षण होता है। हमने इसे कंट्रोल करने के लिए अपने खाने पीने पे और अपनी किडनी पे काम करना होता है और दोनों पर एक साथ काम करना होता है। जब हम दोनों पर एक साथ काम करते हैं तो लेवल्स एकदम तेजी से बदल जाते हैं। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके साइंस संजीवनी के डॉक्टर से आप फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं। आप अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे भी आकर मिल सकते हैं। अब इसी के साथ आपसे फिर भी चलने की आग्रह चाहूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।